हेलो एस योर फ्रेंड टेक्शुभम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पर 25th लेक्चर होने वाला है। 24th के अंदर हमने देखा कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो आज हम ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से देखना, ठीक है। पिछला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जाकर के देखना, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि किस तरीके से जो है हमारे स्टेटमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो आज हम इसमें हम थ्योरी की बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम जो है स्ट्रिप्ट प्रोग्राम्स की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में अपने प्रोग्राम्स ही ज़्यादा अटैक करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट की, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट क्या है, चलो ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा बाद में, ठीक है। इफ स्टेटमेंट जो है कंडीशनल अप्रोच है, कंडीशनल अप्रोच ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। हम बात करते हैं ना यार, अगर बारिश हुई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, अगर पेट में दर्द हुआ तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो अगर क्या है, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इफ स्टेटमेंट के आपके प्रोग्राम में हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसके अंदर कोई भी एक कंडीशन पास करेंगे, ठीक है। अगर वो फुलफिल होती है तो आपका स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, या फिर ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। तो क्या हुआ, इफ के अंदर हमने कोई कंडीशन पास करी, अगर वो फुलफिल हुई तो ये वाली जो स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अगर बात करें इसके उसकी किसकी फ्लो चार्ट की, कंडीशन यहाँ से कोई वैल्यू आ रही, कंडीशन हुआ, अगर वो फॉल्स हुई तो लूप शुड नॉट से लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप्स, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टॉप्स। लेकिन अगर वो वैल्यू ट्रू हुई तो वहां पर हम स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, या फिर हमारे को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो हम परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। एग्जांपल की बात देखते हैं, इसमें बने ही रहने देता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इफ ए इज मोर देन बी देन प्रिंट ए is more than b, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लिखेंगे अपने आंसर शीट के अंदर तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गैप दे देना, ठीक है, और ये एंडेशन लगा देना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसने चेक किया कि a b से बड़ा है क्या इस कंडीशन में, अगर a b से बड़ा हुआ तो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, अगर a b से बड़ा नहीं हुआ तो आपको इस चीज को वो पास कर देगा, इस चीज को वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो ये बात हुई इफ कंडीशन की। एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं, इफ सी एच इज मोर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। मतलब मैं कोई एक सी एच एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि अगर वो जीरो से बड़ी है और 9 से छोटी है तो मैं वहां पर इनको प्रिंट करा दूंगा क्या, यू एंटर्ड अ वैल्यू, यू एंटर्ड अ डिजिट, यू एंटर्ड अ डिजिट। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, इफ के अंदर कोई कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई तो उसके बाद जो है हम स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो बात हो गई किसकी, इफ कंडीशन की, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है, मैं आपसे पूछूंगी कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, कौन सी फ्लो कंट्रोल अप्रोच को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, सिलेक्शन अप्रोच। क्यों सिलेक्शन अप्रोच, क्योंकि बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन वी आर एक्चुअली सिलेक्टिंग द फ्लो ऑफ द स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम, ठीक है। तो याद रखना है कि इफ जो है वो सिलेक्टिव अप्रोच को यूज करता है, ठीक है। अब बात आती है इफ एल्स की, इफ एल्स की फिर से हम वही लेके चलते हैं, अगर बरसात हुई तो मैं ऑफिस जाऊंगा, अगर बरसात हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा, अगर नहीं हुई तो मेरे को स्कूल जाना है, ठीक है। तो यहां पर हम इफ के अंदर क्या करते हैं, हम सिर्फ ये देख रहे थे कि अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर हम एक और कंडीशन ऐड कर रहे हैं कि अगर नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो यहां पर वही इफ एल्स आ जाता है, ठीक है। इफ
लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है, आपने किसी लड़की को जाकर के प्रपोज किया, ठीक है, उस लड़की ने अगर आपको बोल दिया इफ प्रपोजल प्रपोजल इफ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल, ये वो प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम नंबर में बैठ देना इसके ऊपर, ठीक है, अगर मैं मान लूं इफ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड देन रिलेशनशिप, ठीक है, अगर उस लड़की ने हाँ कर दी भाई कि वो तैयार है आपके साथ आने के लिए तो आप रिलेशनशिप में आओगे, एल्स एल्स आप क्या करोगे, या तो फाइंड नेक्स्ट और एल्स बिकम सेड, और बिकम सेड या तो आप रहोगे या फिर कुछ और जुगाड़ ढूंढोगे, ठीक है, इसको सीरियसली बोलते हैं, जस्ट मैं आपको बताने के लिए किस तरीके से यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर लड़की ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया, अगर वो चीज नहीं होती है, इफ दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड देन अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, तो यहाँ पर इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग अप्रोच को, अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो अगर ए एक नंबर है 10, बी एक है 20, ठीक है, हम यहाँ चेक कर रहे हैं इफ A is more than equals to B, then print A is larger, ठीक है? Else, अगर A B से बड़ा नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है? Print B is larger, ठीक है? क्या मतलब हुआ? अगर वहाँ पे A B से बड़ा हुआ, तो हमको पता है यार कि A तो बड़ा है ही, अगर वो नहीं हुआ, तो हम print कर देंगे क्या? B आपका A से बड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम if का यूज कर रहे हैं, ये कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो ये हम एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये फुलफिल नहीं हुई तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो सीधा else check करेगा, else है क्या नहीं है, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को वो प्रिंट कर देगा। लेट्स से वन मोर थिंग, लेट्स से a कोई वेरिएबल है आपका, a इज इक्वल टू -5 है, लेट्स से इफ a इज मोर देन इक्वल टू 0 देन प्रिंट a इज पॉजिटिव, ठीक है, एल्स अगर वो पॉजिटिव नहीं हुआ तो हमें प्रिंट करना है ए इज नेगेटिव, ठीक है, ए इज नेगेटिव। हमने यहाँ क्या किया कि अगर चेक किया ए 0 से बड़ा है या नहीं है, अगर वो बड़ा है तो हमने प्रिंट कर दिया कि आपने एक पॉजिटिव वैल्यू को एंटर किया है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं हुई लेकिन वो -5 है, तो यहाँ पर वो गया उसने चेक किया कि -5 इज मोर देन इक्वल्स टू 0, जो कि मोर देन इक्वल्स टू 0 जो कि नहीं है, आपका -5 जो होता है वो कम होता है, तो इस चीज को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो चेक करेगा एल्स पार्ट है या नहीं है, जो एल्स पार्ट होगा उसको वो ये एग्जीक्यूट कर देगा, एज सिंपल एज दैट। हम प्रोग्राम में जाकर के देखने वाले हैं किस तरीके से हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इफ एल्स का यूज कैसा होगा, अगर इफ कंडीशन में कोई वैल्यू हम पास कर रहे हैं, कोई कंडीशन पास कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट्स के अंदर, अगर वो ट्रू हो रही है तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो एल्स स्टेटमेंट चेक करेगा, उनको वो प्रिंट कर देगा, ठीक है, बात आ गई समझ में। हम चल रहे हैं इफ एल्स इफ के ऊपर, ठीक है, अब क्या होता है इफ एल्स के अंदर, क्या होता है, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट देख लिए हैं, ठीक है, इफ एल्स के अंदर क्या होता है, अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे ना तो इफ एल्स इफ ऐसे होता है, बट ये पाइथन के अंदर एक अलग चीज है कि हम एल्स इफ की जगह एलिफ यूज करते हैं, ई एल आई एफ, तो इसका ध्यान रखना है कौन से हम कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। तो इफ वी वांट टू चेक मोर देन वन कंडीशन, मोर देन वन कंडीशन वी यूज else if, ठीक है, अब हम वहां क्या करते हैं, if this condition is true or false then this, ठीक है, लेकिन हम वहां पर एक ही कंडीशन को वहां पर हम डाल रहे थे ना, ठीक है, तो यहां पर हम if else के अंदर क्या करते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन जब चेक करनी होती है तो हम else का यूज करते हैं, ठीक है, क्रिकेट मैच हमने देखा होगा, ठीक है, लेट्स से एक वेरिएबल हमने लिया, वेरिएबल लिया स्कोर, ठीक है, जिसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, लेट्स से इनपुट करवा लेते हैं, ठीक है, इनपुट एंटर स्कोर, एंटर स्कोर, यहाँ पर उसने बैट्समैन का स्कोर एंटर किया, फिर मेरे को चेक करना है कि उसने सेंचुरी बनाई है या उसने 50 से ज्यादा मारा है या उसने उनसे कम मारा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, इफ स्कोर इज मोर देन इक्वल्स टू 100 देन प्रिंट
स्कोर्ड अ सेंचुरी, अगर उसने 100 से ज्यादा रन बनाए हैं तो हम प्रिंट कर देंगे कि आप भाई इसको आपने सेंचुरी बनाई है एलिफ। एक और कंडीशन हम पास करते हैं, स्कोर इज मोर देन इक्वल्स टू 50 एंड स्कोर लेस देन इक्वल्स टू 99, प्रिंट स्कोर 50 और हाफ सेंचुरी। ठीक है, ये मैंने प्रिंट कर दिया। अगर उसने 100 से ज्यादा बनाया तो प्रिंट कर दूंगा स्कोर इज स्कोर अ सेंचुरी, अगर 50 से ज्यादा 99 से कम है तो मैं प्रिंट कर दूंगा स्कोर इज 50 या फिर हाफ सेंचुरी। ठीक है, लेकिन अगर वो 50 से कम बना है तो क्या करूंगा, तो मैं एक एल्स स्टेटमेंट और डाल देता हूं, प्रिंट स्कोर्ड लेस देन 50, एज सिंपल एज दैट। क्या किया हमने, स्कोर को वेरिएबल में लिया, फिर चेक किया, एक कंडीशन तो हमारी है हो गई, स्कोर इज मोर देन 100 है या नहीं है, अगर है तो वो इसको प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा जो कि एलिफ के अंदर लिखी हुई है, वो कंडीशन है ये। ठीक है, अगर ये फुलफिल हुई तो उसने प्रिंट कर दिया ये, अगर दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट कर देगा आपने भाई स्कोर किया है लेस देन 50, एज सिंपल एज दैट। तो यार हमने क्या देखा, इफ कंडीशन के अंदर हम एक कंडीशन चेक करते हैं, बेसिस पे हम कुछ वैल्यू प्रिंट करते हैं। इफ एल्स के अंदर देखा हमने दो कंडीशन हम जो है वो देख सकते हैं, मतलब एक कंडीशन देख सकते हैं उसके अंदर हम दो ब्लॉक चलाएंगे। ठीक है, इफ एल्स इफ के अंदर क्या देखा हमने, बहुत सारी कंडीशन चेक कर दी हमें, तो हम क्या करेंगे इफ एल्स का यूज करेंगे। ठीक है, बात आ गई सामने। तो इस लेक्चर में इतना ही, पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर था, आने वाले लेक्चर में हम प्रोग्राम्स के ऊपर जाएंगे जिनमें हम